चलिए तो पिछले दिन हम लोग जो है साइक्लोट्रॉन पढ़े थे, है ना। साइक्लोट्रॉन के बाद जो है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन पढ़े थे। साइक्लोट्रॉन और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में अंतर क्या था? तो अंतर, हाँ, एगो डी का अंतर था। साइक्लोट्रॉन में दो डी होता था और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में एक ही डी होता था, लेकिन काम दोनों का एक ही जैसा होता था, है ना। अब इसमें कह रहा था सिंक्रो साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में कि इनमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वह पॉसिबल नहीं हो पाता था, है ना। क्यों भाई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा था? तो उसके लिए वजह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो फोर्स इस पर अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्वाइट लार्ज हो जाता है ना, और यह वेरिएशन ऑफ मास जो है वह शो करने लगता है। तो वेरिएशन ऑफ मास शो करने से होता क्या है कि हमको एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रॉन वो नहीं मिलता है ना। इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मिलने लगती है, तो अजीबोगरीब केस आता है। तो साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल के इजेक्शन के लिए नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल के इजेक्शन के लिए हम लोग एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ट्रॉन। इसका शेप जो है क्वाइट डिफरेंट होता है ना। जैसे वह काम करता था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर, है ना, यह काम करता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर। यह डिफरेंस है, वह काम करता था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर, यह काम करता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर। तो बीटा ट्रॉन क्यों बनाया गया था? तो फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों बनाया गया था? फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए बनाया गया था, है ना। 1941 में नाम था डी डब्ल्यू क्रेस्ट, डी डब्ल्यू केरेस्ट, KERST, क्रेस्ट, ठीक है। लिखिए, बीटा ट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी। लिखेंगे, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1941 बाई डी डब्ल्यू क्रेस्ट, KERST, डी डब्ल्यू क्रेस्ट, है ना, फुल स्टॉप। द एक्शन ऑफ दिस डिवाइस डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। द एक्शन ऑफ दिस डिवाइस डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, है ना। ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पर जो है बीटा ट्रॉन वर्क करता है। हेडिंग देंगे अगला कंस्ट्रक्शन। लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर। इट कंसिस्ट ऑफ ए डोनट शेप, DOUGH, डोनट, DOUGHNUT, डोनट शेप वैक्यूम चैम्बर प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोल पीसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, फुल स्टॉप। लिखेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एनर्जाइज्ड, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज
energized by an alternating current. The electromagnet is energized by an alternating current. Full stop. लिखेंगे द मैग्नेट प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेट प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेट प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द डोनट. In the donut. Full stop. The electrons are produced by the electron gun. Electrons are produced by electron gun. Electron gun. And are allowed to move in a circular orbit. Circular orbit of constant radius in the vacuum chamber. Full stop. Likhenge the magnetic field varies slowly compared with the frequency of revolution. Compared with the frequency of revolution. Frequency of revolution. है ना? Of the electron. In the equilibrium orbit. Full stop. लिखेंगे the vacuum tube produces two effect on electron. पहला नंबर लिखेंगे the changing flux the changing flux किधर गया the changing flux due to the changing flux due to the changing due to electromagnet produces due to electromagnet produces the induced EMF which is responsible for the acceleration of electron. Which is responsible
फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा नंबर में लिखिएगा, सेकेंड नंबर में, द फील्ड ऑफ द मैग्नेट, द फील्ड ऑफ द मैग्नेट सर्व्स, द फील्ड ऑफ द मैग्नेट सर्व्स एट द सेम टाइम, सर्व्स एट द सेम टाइम टू बेंड द इलेक्ट्रॉन्स, टू बेंड द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्कुलर पाथ, बेंड इन द सर्कुलर पाथ इन द चेंबर, इन द चेंबर एंड कन्फाइन देम, एंड कन्फाइन देम टू द रीजन ऑफ, एंड कन्फाइन देम टू द रीजन ऑफ, टू द रीजन ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, कन्फाइन देम टू द रीजन ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं होता है कि बीटाट्रॉन में क्या है ना, एक डोनट शेप का वैक्यूम चैम्बर होता है। ये डोनट शेप का क्या होता है वैक्यूम चैम्बर होता है। ये इस साइड में ये वैक्यूम चैम्बर, इस वैक्यूम चैम्बर के अक्रॉस हम लोग अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। यह मैग्नेटिक फील्ड जो है ना दो प्रकार से काम करता है। सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले वैरिंग होता है। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के वजह से बी डॉट डी एस अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, इस वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, बराबर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते थे। तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस ईएमएफ के इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होता है। इस ईएमएफ में डिक्रीज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होता है। दूसरा कि जो ईएमएफ जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वह इलेक्ट्रॉनिक मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, जिस वजह से यह इलेक्ट्रॉन के पाथ को सर्कुलर बना देता है। फॉर एग्जांपल ये बीच में हमारा डोनट शेप है ऐसे रखा हुआ हॉरिजॉन्टली है ना, और इस पर अपवार्ड डायरेक्शन में फील्ड लगा दिए, अपवार्ड डायरेक्शन में फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करेगा, घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड में यह क्या करेगा, घूमेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में यह घूमेगा और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रॉनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो ये लार्जर रेडियस में मूव करते जाएगा, लार्जर रेडियस में मूव करते जाएगा है ना, और फाइनली जो है यह टारगेट पर हमको प्राप्त हो जाएगा, फाइनली जो है यह टारगेट पर हमको प्राप्त हो जाएगा। यही केस है ना। सो ये डोनट शेप बना दो तो बना लो ना, यही है वैक्यूम चैम्बर। और ये जो है ना, दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह जो है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इसी के अक्रॉस जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी के अक्रॉस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब इसके लिए करते क्या है, ये डोनट शेप समझ रहे हो, डोनट शेप का एग्जांपल देखो, खाने वाला डोनट देखे हो है ना, उसमें चारों बगल से मान लो कि हम ये लपेट देते तो बीच में अंदर हॉलो स्पेस बच जाएगा ना है ना, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। अब इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा है ना, तो अब उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है ना। तो उस पर जो फोर्स लगता है, ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन है सर्कुलर पाथ पर, तो इस डायरेक्शन में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लगता है,
इस डायरेक्शन में जो है यह मैग्नेटिक फील्ड लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन है ना। फिगर बना लीजिए। हाँ 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 तो इसलिए तो इसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। कौन सा ईयर है? लिखिए थ्योरी थ्योरी। फर्स्ट ईयर थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, आधे घंटे बाद। लिखिए कंसीडर द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट। कंसीडर द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ऑफ रेडियस आर फुल स्टॉप। लिखेंगे लेट फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑर्बिट। लेट फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑर्बिट। फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑर्बिट फुल स्टॉप। लिखेंगे द फ्लक्स इंक्रीजेज एट द रेट डी फाई बाई डी टी एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ and the induced EMF in the orbit and induced EMF in the orbit is given by E equals to minus d phi by dt. E equals to माइनस डी फाई बाई डी टी। नीचे लिखिएगा द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई द वर्क डन on one electron of charge E is given by E, Q into V होता है ना, तो Q यहाँ पर small E है, applied potential हमारा क्या है E है, EMF induced है, तो this equals to E into d phi by dt और यहाँ पर minus है ना। लिखते हैं लेट एफ बी द टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। एक्टिंग ऑन द और बाइटिंग
इलेक्ट्रॉन फॉर वन रिवॉल्यूशन द पाथ लेंथ इज टू पाई आर देन वर्क देन द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एफ इंटू टू पाई आर है ना, एंड दिस एफ इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू माइनस ई डी फाई बाई डी टी. सो दिस इम्प्लाई एफ इक्वल टू माइनस ई बाई टू पाई आर डी फाई बाई डी टी. हो गया दिक्कत? ये वही काम किए हैं है ना, कि ईएमएफ फ्लक्स में चेंज के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी है ना. तो वर्क डन कितना होगा, ई इंटू ई, तो ई इंटू ई कर दिए, ई बराबर मतलब माइनस ई इंटू डी फाई बाई डी टी है ना. और कहता है कि अगर मान लिया जाए कि उस पर एफ फोर्स लग रहा है और टोटल डिस्टेंस वह टू पाई आर तय कर रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा वर्क डन, एफ इंटू टू पाई आर, एंड दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू दिस वर्क डन. तो दोनों को बराबर कर दिए तो यहाँ से फोर्स निकल गया हमारा. ठीक है, लिखिए. अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग और भी पढ़े हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वह कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है. अब मैग्नेटिक फोर्स कितने के बराबर होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी. तो क्यू हमारा यहाँ पर ई है ना, भी तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और बी मैग्नेटिक फील्ड है ना. सो लिखेंगे, और इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में है ना. लिखिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ड्यू टू द एबव फोर्स, it will try to move, into an orbit, of larger radius, radius full stop, because of the presence of magnetic flux perpendicular to the
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंसेस ए रेडियल फोर्स गिवेन बाय बी ई भी इक्वल टू एम भी स्क्वायर अच्छा ये स्मॉल भी बी ई भी वेलोसिटी वाला भी बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर है ना सेंट्रिपिटल फोर्स लिखिए लिखेंगे हियर बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हियर बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हियर बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर लिखेंगे भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम इक्वल टू एंड एम इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एम इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो यहाँ से देखो द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मोमेंटम कितना हो जाएगा एगो भी से एगो भी कट जाएगा है ना अब वार इधर चला आएगा तो मोमेंटम इज एम भी इक्वल टू बी ई इंटू आर देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा है ना वैसे वैसे जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी क्या होगा इंक्रीज करेगा है ना लिखिए क्या नाम है तुम्हारा किस ईयर में हो एबसेंट थे बहुत दिन से गांव गया हुआ था काय के लिए मम्मी का तबीयत खराब था ऑनलाइन क्लास कर रहे थे काय एक घंटा भी समय नहीं निकल रहा था क्या हुआ था मम्मी को पैर में दिक्कत था घुटना में तो आप खाना उना बना रहे थे तो इतना भी क्या बिजनेस कि आपको एक घंटा का भी समय नहीं मिल रहा था बैठ के देखिए ऑनलाइन क्लास क्लास एब्सेंट नहीं करोगे समझे क्लास रेगुलर करना है लिख लिए नीचे लिखिए तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं तो अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू डी एम भी बाई डी टी देन डी बाई डी टी ऑफ है ना बी ई आर है ना एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स है ना यह फोर्स किसके बराबर है इसके इफ आर बीइंग एट कॉन्स्टेंट इफ आर बीइंग कॉन्स्टेंट अब आर को कॉन्स्टेंट इसलिए माने हैं कि है ना ये जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कह रहे हैं स्टेबल
है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अस्टेबल, पहुंच गया। तो आर को अगर आप कांस्टेंट मानेंगे तो ई और आर को बाहर लेंगे, देन दिस बिकम्स डी वी बाई डी टी एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, सो एफ इक्वल टू माइनस ई बाई टू पाई आर डी फाई बाई डी टी बराबर ई इंटू आर इंटू डी वी बाई डी टी। लिखिए, कटे उठेगा भी कुछ, ई से ई कट जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी बेटा, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर डी बी। और अगर इसी को आप इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से फाई के लिए और यह जीरो से बी के लिए, तो फाई बराबर टू पाई आर स्क्वायर इंटू बी मिल जाएगा। लिख लिए, लिखिए, इफ द यूनिफॉर्म, लिखिए, इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट्स ओवर, इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ओवर, एक्ट्स ओवर एन एरिया पाई आर स्क्वायर, एन एरिया पाई एस आर स्क्वायर, द फ्लक्स इज पाई आर स्क्वायर बी, द फ्लक्स इज पाई आर स्क्वायर बी, therefore the flux through the orbit, therefore the flux through the orbit, the flux to the orbit या flux linked with the orbit, flux to the orbit is twice the flux enclosed by the orbit, is twice the flux enclosed by the orbit, full stop। लिखेंगे if the magnetic field were to be uniform, if the magnetic field were to be uniform over the area phi equal to 2 pi r square b, phi equal to 2 pi r square b represents the condition under which a betatron works and is called
एंड इज कॉल्ड बीटाट्रॉन कंडीशन। लिखेंगे फुल स्टॉप, नीचे में पैराग्राफ चेंज करके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑब्टेंड बाय द स्पेशल पोल पीसेज by the special pole pieces where the magnetic field at the center is greater than at its circumference. तो ये आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर भी खत्म हो गया, और एक बार देख लेना और कुछ सिलेबस में बचा हुआ तो नहीं है। एक टॉपिक और मेरे हिसाब से है गीजर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर, थोड़ा सा एक बार देख लो और कुछ बचा हुआ है या ख़त्म हो गया। सिलेबस है अभी पास में, दिखाओ तो जरा। मॉडर्न फिजिक्स में देख लें और कुछ नहीं ना बचा हुआ है। मिजर मिलकंस मेथड हो गया है, थॉमसन मेथड हो गया है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कंप्लीटेड, रदरफोर्ड सॉडी थ्योरी कंप्लीटेड, गीजर मुलर काउंटर बचा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप्स, ठीक है ये भी हो गया है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो गया, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट न्यूक्लियर एंड इट्स स्ट्रक्चर, फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन, एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा दिए है ना, साइक्लोट्रॉन बीटाट्रॉन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा दिए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, फोटो कंडक्टिव एंड फोटो वोल्टाइक सेल हो गया, कॉम्प्टन इफेक्ट हो गया, ब्रैक्स लॉ हो गया, डिटर्मिनेशन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो गया है ना, इट्स एम्पली एंड फेज मेजरमेंट, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर ऑन द स्टेज ऑफ RC एम्पलीफायर, ये बोले हैं यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ये थर्ड ईयर में पढ़ाएंगे है ना। अब अगला प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रे हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ कॉस्मिक रे सारा हो गया इसमें, कैस्केड थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रेज हो ही गया। सो वन इज लेफ्ट गीजर मुलर काउंटर। एक और बच्चे ने मैसेज किया था गामा थ्योरी ऑफ अल्फा रे के बारे में है ना, सो गामा थ्योरी ऑनलाइन क्लास का बच्चा था, सो बच्चा गामा थ्योरी ऑफ अल्फा रे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन होता है, सिलेबस में पता नहीं अभी क्यों ऐड कर दिया है या उसका क्या एलिमेंट पढ़ना है, लेकिन ये सब तभी पढ़ सकेंगे जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स आता होगा, बिना उसके नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो उस टॉपिक को भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक क्वांटम आएगा नहीं तब तक नहीं होगा है ना। तो एम्पलीफायर वाला इस सर्किट सेकेंड ईयर में करा देंगे। तो अगले दिन देखते हैं गीजर मुलर काउंटर, उसके बाद कौन सा पढ़ोगे, ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। और चार पेपर में एक पेपर कंप्लीट हो गया, चार पेपर पढ़ना है ना जिसमें एक पेपर कंप्लीट हो गया। कितना दिन लगा इस पेपर को कंप्लीट होने में, 2 महीना लग गया,
3 महीना हो गया, मई में शुरू हुआ था आप लोग का बैच। अट्ठाईस मई से अच्छा इसमें डेट है ना, देख लेते हैं। अट्ठाईस को एक स्टार्ट हुआ था पहला क्लास, 28 को, मई जून जुलाई, मतलब मई तो ख़त्म ही था, जून और जुलाई लग गया 2 महीने। ठीक है, चार टॉपिक, चार दुनिया, 8 महीना।